सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल समीर सर की पाठशाला को और दबाइए बेल आइकॉन मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समीर सर की पाठशाला में। आज फिर से, आज 1 दिसंबर है। मैं कोई दिवस के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूँ, वो आप लोगों को पता है। मैं ये खास करके बताना चाह रहा हूँ डेट, इसलिए मैंने बोला कि मैं आप लोगों को बताए अनुसार ऑनलाइन आया था आज में, पर मैं लाइव रहते हुए भी फिर नेटवर्क की भारी प्रॉब्लम थी। वो वीडियो भी है, वो उसमें लोड हो चुका है, शायद आप लोग देखेंगे। इस वजह से मुझे काफी खेद है, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। और मैं फिर आज बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग के लिए कुछ लेकर के आया हूँ और कुछ लेवल एडवांस करने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि ग्रेजुअली ही एडवांस करना चाहिए, अचानक से एडवांस करने से प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ। तो ये प्रश्न आपका एक नंबर है, ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। तो ये प्रश्न है आपका, एक निश्चित कोड में GLAMO और ग्लैमर को BMHLQTN लिखा जाता है, तो उस कोड में SERVING कैसे लिखा जाएगा। इसके चार ऑप्शन दिए आपके सामने में, तो पढ़ना भी कठिन है, उतना टाइम भी लॉस होगा। तो इसको कैसे बनाया गया मैं वो बताता हूं। सबसे पहले है ग्लैमर, तो GLAMO ग्लैमर को क्या किया गया है, दो अर्धांशों में बटा गया है, दो हाफ में बांट दिया गया, इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से बांट दिया गया है। और जब अर्धांश होता है, जब इक्वल होता है दोनों लोगों, तो बीच में कुछ आता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर कुल 7 दिए गए हैं, ये बीसीडी के जो अक्षर है वो 7 दिए गए हैं, तो बीच वाला में एक एम आ जाता है, तो वो बीच में दो लकीर के बीच में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या दिया गया, इसमें इस अर्धांश को विकृत क्रम में लिखा गया, पलट दिया गया, इसको विकृत क्रम में लिखा गया, पलट दिया गया, यानी कि ये ऐसा लिखा गया है ALG, ये अपने जगह रहने दीजिए, और यहां लिखा गया है RUO। और ये सब करने के बाद ये सब में +1, +1 और +1 की वृद्धि हुई है, और बाकी जो है ये सब में -1, -1, -1, -1 की कमी हुई है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो A+1 क्या हो जाएगा, B L12 1 13 13 क्या होता है, M 7 1 8 8 होता है आपको H, अब 13 में चला गया 1 क्या हो जाएगा, 12 12 होता है L, इसी प्रकार से इसमें -1 18 -17 होता है Q, और 20 में -1 होता है आपको कितना, ये 21 हो जाता है 20, T20 क्रिकेट मैच, मैंने अल्फाबेट याद करवाया आप लोग को, और ये 15 15 होता है 14 14 हो जाता है N, इस प्रकार से ये किया गया है BMHLQTN बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी बनेगा आपको, क्या है इसमें SERVING SERVING इसको दो अर्धांशों में बांट लेता हूं, इसको लिखता हूं RES और इसे रहने देता हूं एक लाइन खींच के इस प्रकार से, और ये हो गया आपको GNI, समझो बस N अपने जगह पर और E भी अपने जगह पर, लेकिन वास्तव में प्रकृति लिखा गया, ठीक है। तो पहले वाले में +1 की वृद्धि प्रथम अर्धांश में, और बाकी यहां से -1 की कमी हो जाती है, तो R होता है 18 18 18 +1 19 19 होता है S, E होता है आपको 5 5 +1 6 6 होता है F, S होता है 19 19 से 20 यानी कि T, इस प्रकार से भी होता है आपको 22 22, तो इस प्रकार से 22 भी होता है, तो भी में 1 चला गया तो बचा आपको कितना U होता है 21, इस प्रकार से आपको G है 7 7 में 1 चला गया, बचा 6 6 होता है F,
14 में 13, 13 होता है एम और 9 में 1 चला गया, हो जाए ये 8 यानी 8 होता है एच, तो आपको ये एस एफ टी यू एफ एम एच, एस एफ टी यू एफ एम एच आपका टी नंबर हुआ आपका आंसर। जी हाँ, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से मैं अब अगला प्रश्न लिखने वाला हूं और आप लोग ही लाइन पर बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, ये अगला दो नंबर प्रश्न आपके सामने में है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कोड में GEAR गियर को 5% 9 डॉलर और FIRM फर्म को 3.7 लिखा जाता है, तो उस कोड में FAM फ्रेम को कैसे लिखा जाएगा। तो जब भी दो का मान दिया हुआ हो तो बेहद ही आसान होता है, आप लोग दिमाग ना लगावे, सबका मान पर लिख दें। जैसे कि GEAR है, GEAR, तो ये हो गया आपको G का हो गया 15, A का हो गया आपको E का हो गया प्रतिशत, A का हो गया 9, R का हो गया डॉलर। इसी प्रकार से फर्म है F I R M, इसका लिखा गया 3.7, तो ये सबका मान बिठा दिया गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो आपका प्रश्न है FAME, इसका कोड क्या होगा, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो F का मान जो कितना 3 है, यहाँ लिखो 3, A का मान कितना है 9, हो गया 9, M का मान कितना 7, हो गया 7, और E का मान कितना है प्रतिशत, हो गया प्रतिशत, यानी कि 9397% 397% यानी कि दो नंबर हो गया आपका आंसर। तो आप लोग को होता क्या, इसमें दिया नहीं है, इसमें इसमें किसी एक को कॉमन जो रखता है, जैसे यहाँ का प्रतिशत, यहाँ किसी एक का प्रतिशत होना चाहिए था, अगर नहीं, हाँ एक तो दिया हुआ है, ये आर का डॉलर है, यहाँ भी आर का डॉलर है, इसे संबंध व्यवस्थापित होता है, इसका मतलब ये होगा आर का डॉलर यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब इसका मान ये है, इसका मान ये है, सबका मान नीचे बैठाया गया, इसलिए जब भी दो का मान दिया गया हो तो तीसरे का मान निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आज फिर जो है रात में ही आऊंगा और ऑनलाइन आऊंगा, आज अगर वीडियो लोड कर पाया तो आज आप लोग देख पाएंगे कि मैं ये बात आपको कह रहा हूँ, क्योंकि दिन में समस्याएं होती है। आज मैं सिम चेंज करके एयरटेल का प्रारंभ करूंगा, शायद हो सकता है उससे मैं ऑनलाइन अच्छे से आ सकूं। तो अगला प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूँ, आप लोग इस प्रकार से मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अगला प्रश्न 3 नंबर आपके सामने में है, लिखा हुआ है निम्न या बिहार SSC इंटर लेवल जो उसका ही सेट मैं बना रहा हूँ और रीडिंग से बना रहा हूँ, मैं आपको बताई दे रहा हूँ। तो निम्न में से 4 किसी एक प्रकार से समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, उनका एक ग्रुप है, किसी प्रकार से ये 5 जो दिया गया इसमें से 4 एक ग्रुप बनाते हैं, एक प्रकार से वो सिमिलर समान है। तो बोल रहा है कि अपना एक समूह बनाते हैं, तो यहां मैं लिखना शायद भूल गया, समूह बनाते हैं, तो मैं अपने शब्दों में लिखता हूं, जो समूह से भिन्न हैं पहचाने, ये मैंने अपने शब्दों में लिख दिया, ताई भाषा से थोड़ा अलग पहचान, आपको इनमें से सबसे अलग कौन सा है पहचानना है, ठीक है। तो इसमें जो एक्चुअली सेट में कभी आदमी प्रश्न भी रहते हैं, तो मैंने उन्होंने कर दिया, समूह बनाते हैं तो समूहों को पहचानना जो किसी अलग है, तो इसका क्या क्या 35 है, 80 है, 45 है, 60 है, 75 है, तो इसमें से देखा जाए तो समूह बनाते हैं, अगर हम सबको 5 से डिवाइड करें तो 5.5 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन तो समूह से अलग तो कोई हुआ नहीं, तो अलग कैसे होगा, तो इसको ऐड करते होता 8, ये एक सम संख्या है, इसको ऐड करते होता 8, ये भी एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, इसको करते होता 9, इसको ऐड करते होता 6 और 7.5, यानी कि ये सब ये इवन नंबर है, सम संख्या है, और 9 जो है वो विषम है जो कि समूह से बिल्कुल भिन्न है, या आपको 45 होगा आंसर आपका 3 नंबर। तो आप लोग समझ गए, मैं लिखना इसमें लिखा हुआ ही नहीं था, मैंने खुद लिख दिया। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और मैं अगला प्रश्न लिखने वाला हूँ, अगला प्रश्न आप लोग यू ही
बने रहे। तो दोस्तों अगला चार नंबर का प्रश्न आपके सामने है, ये ब्लड रिलेशन से है। अगर आप लोग ब्लड रिलेशन में थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो मेरे वीडियो में जाए, वहां पर एक ब्लड रिलेशन का चैप्टर दिया गया है, सारे डायग्राम उसमें दिए गए हैं, बनाए गए हैं, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी अगर आप मेरे उसके अध्ययन करेंगे तो। क्योंकि मेरा डायग्राम किताब से थोड़ा सा भिन्न होता है और वो जो है बुक के जैसा नहीं होता, बुक से अलग होता है वो, मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ, तो बुक से मेरा डायग्राम अलग रहता है, तो काफी आसान और मजेदार होगा, उसको ट्राई करके देखें। तो सबसे पहली बात है कि एन के की बहन है, एम जो है के की बहन है, तो यहां लिखता हूं एम बहन है के की। एम अगर बहन है के की, तो मैंने एम को नेगेटिव का साइन दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्त्री है, एक फीमेल है, लेकिन के बारे में नहीं बोला है कि उसका भाई या बहन क्या है। तो जब कोई भाई बहन होता है उसे हम लोग क्यू में लिखते हैं, इस प्रकार से लाइन में लिखते हैं, ये होता है भाई बहन। लेकिन जैसे ही टैग कर देते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये पति पत्नी होता, गठबंधन हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मैंने आपको यही एक बता दिया समझाने के लिए, जो कि आप लोग मेरा रिलेशन का चैप्टर देख सके, इससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो एम जो है के की बहन है, के भाई या बहन है, इस पर दिमाग में लगाना है, क्या ये तो भाई या तो बहन है। दूसरा डी के का भाई है, डी के का भाई है, अब डी चाहे इधर लिखो या डी चाहो तो इधर लिखो, एक ही बात हुआ कि भाई है, यानी सभी भाई बहन आपस में है, तो डी के का भाई है, तो यहां को प्लस का साइन दिया, इसका मतलब ये मेल हो गया। दूसरा भी कंप्लीट। अब एफ एन की माता है, तो अपने माता पिता का स्थान अपने से ऊंचा होता है और अपने पुत्र का स्थान अपने से नीचा, नीचा का मतलब डायग्राम में नीचा, पैर के नीचा नहीं। तो एफ एम की माता, तो एम ऊपर चला गया, एफ एम की माता है, एफ मैंने नेगेटिव साइन दे दिया। अब एफ अगर एम की माता है तो के की भी माता है, और डी डी जो है प्लस है, तो डी की भी जो है माता है, तो इस प्रकार से ये तीनों की ये माता है और ये सब इसके पुत्र और पुत्री जो है आपके सामने में। तो जब किसी का ये जेंडर पता नहीं चलता है, वह हम लोग जीरो बैठाते हैं, यानी ये जेंडर क्लियर नहीं है। अब एम का ये तो भाई या तो बहन है, के का डी का ये तो भाई या तो बहन, लेकिन ये क्लियर है डी और एम आपस में भाई बहन है, ये बहन है और ये भाई है। तो प्रश्न है के एफ से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों तो मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप प्रश्न को हल कर लोगे तो आंसर होते हुए दो ऑप्शन देख करके घबरा जाओगे कि आप आंसर होना क्या चाहिए। तो के एफ से किस प्रकार संबंधित, यानी कि इसका मतलब पहला जो होता है इसके बारे में ही पूछता है कि के एफ का कौन लगता है, के एफ का कौन है, क्योंकि यहां पर मैं आंसर के बाद आपसे जिक्र करूंगा। तो के एफ का कौन है, के एफ का के तो एफ का तो पुत्र या तो पुत्री है, क्योंकि कुछ तो है ये, या तो पुत्र या तो पुत्री होगा, क्योंकि इसका जेंडर का कोई पता नहीं चल पाया। इस प्रकार से आपका आंसर नंबर डी सही होगा। अगर मान लिया जाए, सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर या ये कोई नहीं रह के यहां लिखा हुआ होता माता ऑप्शन में, तो ये सारे बनाने के बाद आप लोग क्या होते कंफ्यूज कर जाते, अब के का एफ से क्या संबंध है। तो एम उसकी माता है तो माता आंसर होगा, या पुत्र या पुत्री होगा, हो गया ना कंफ्यूजन। इसलिए आपको ये जाना कि पहला जो है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये इसका कौन लगता है, इसके बारे में मतलब पूछा जाता है। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बता दिया, आप क्लियर हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, और नहीं क्लियर हुए हैं तो मेरा वो जो है वीडियो जरूर देख लेना आपको ब्लड रिलेशन का, और व्यूज उसमें तो अच्छे नहीं है, बट ये है कि जो वो अभी ज्यादा इस पे डिस्प्ले पर दिखाया नहीं जा रहा होगा, उस पे यूट्यूब पे हो सकता है, तो आप लोग अगर देखेंगे उसको ज्यादा ज्यादा तो वो फिर अपने आप बहुत ज्यादा लास्ट टाइम उसको मिलने लग गया। तो मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, आप लोग यही मेरे साथ बने रहे, और ये बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही सेट है, आप लोग हमेशा याद रखें, और ये रीजनिंग का चैप्टर है ये भी याद रखें। तो दोस्तों देख रहे अगला पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये दिया हुआ है, पांचवा नंबर प्रश्न है, शब्द जे यू एम पी आई एन जंपिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, कपल हैं, जिनके बीच शब्दों में उतने ही अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, यानी कि दो कपल चुनना है, इसमें से दो जोड़े चुनना है, इसके बीच उतना ही गैप है संख्याओं का, शब्दों का, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप लोग लग रहा है काफी आसान और इजी लग रहा है
तो आप लोग पॉज करके इसे पहले बनाएं, उसके बाद फिर देखेगी ये मैंने कैसे बनाया है। तो बहुत ही आसान, बिल्कुल सही बात है, है आसान, ऐसी बात नहीं है। तो आपने प्रश्नों को समझा कि नहीं, इसके लिए आप खुद को टेस्ट कर लें, इसको पॉज करें, उसके बाद इसको सॉल्व करें और बनाएं, फिर देखें ऐसा सही है या गलत। आप लोगों ने ट्राई करना चालू कर दिया होगा, मैं बनाता हूं, मैं लिखता हूं, थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, जे यू एम पी आई एन जी। अगर आपको शब्दों की पकड़ है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सबका नंबर लिख लो। कैसे? जे होता है 10, ये होता है 10, ये होता है 21, यू एम होता है 13, 13, पी होता है 16, 16, आई होता है 9 और एन होता है 14, 14 और जी होता है 7। अब बीच में कुछ गैप भी है, तो इसमें देखो तो 10 के बाद 21 है, आपस में काफी गैप है। चलो और देखते हैं, यहां 11 का गैप है, इसके इसके बीच फिर 7-8 गैप हो जाता है, हो जा रहा है, फिर इसके बीच आपको 13 है, 2-3 गैप हो जा रहा है, तो ये कुछ जम ही रहा है। मैं आगे देखता हूँ फिर, तो इसके बीच अगर देखता हूँ तो 16 है या 9 है, तो 9 का गैप होता है, फिर यहाँ पर जो है फिर 5 का गैप होता है, और अगर इसको इसको भी लेता हूँ तो भी आपको 3 का गैप होता है, यहाँ से यहाँ भी काफी अंतर होता है। यानी कि अगर मैं अल्टरनेट भी देता हूँ तो जे और ये इसके बीच आपको कितना 3 का अंतर है, और यू और पी के बीच काफी 4-5 का अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से अब इधर इसको अल्टरनेट लेता हूं, ये पी और एन, इसको लिया और मैं इसको लेता हूं इस प्रकार से अल्टरनेट में, तो आप देख रहे हो कि एक 14 है, एक 16 है, यानी कि 14 का 15 गैप देखे, एक 16 हो गया, ये दोनों का जोड़ा बैठ गया, तो पहले 14 ली एन, उसके बाद पी, एक तो जोड़ा ये बना, बीच में खाली स्थान रह गया किसका, तो ओ का रह गया, 15 नंबर होता है। इसके बाद है आपको ये एन और पी हो गया, उसके बाद ये जी है, तो पहले 7 नंबर जी आता है, जी और उसके बाद आई, 7-2-9, यानी कि 7-2-9 और 14-15-16 और 7-2-9, तो ये दोनों ही आता है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमशः होते हैं, क्योंकि और कोई है नहीं इसमें, क्योंकि पी के बाद है 14, पी 16 होता है, एन 14 होता है, 14 के बाद 15-15-16, 7 के बाद 8 और 1-9, यानी इसका भी इसमें भी एक है गैप बीच में, जी एच और आई यहाँ पर। इस प्रकार से आपको एन पी और जी आई दो आंसर आया आपका, यानी कि दो ही इतने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं, तो दो, आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तो देखने में छोटा लगे, घाव करे, गंभीर वाला हाल है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करें और प्रैक्टिस करें। मैं अगला प्रश्न लिखने जा रहा हूं और यूं ही आप लोग मेरे प्रश्न को देखते रहे, परीक्षा नजदीक है, आप लोग अवश्य पास करेंगे, उत्तीर्ण होंगे, मेरी आशीर्वाद, मेरी जो है दुआएं आप लोग के साथ है। तो दोस्तों गर्मी लग रही थी, मैंने जैकेट को उतार दिया, काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये 6 नंबर प्रश्न है, डायरेक्शन से दिशा से प्रश्न है आपका। रोहन पूर्व की ओर 50 मीटर चला, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, अब वो अपने आरंभ करने की स्थिति से किस दिशा में है, यानी कि वो जहां से चला था और जहां पहुंचा, तो वो जगह से जहां से वो चला था वहां से जहां पर वो खड़ा है वो किस दिशा में है। ए है दक्षिण पश्चिम, बी है उत्तर, सॉरी 2 है उत्तर पूर्व, 3 है उत्तर पश्चिम, 4 है दक्षिण पूर्व और 5 इनमें से कोई नहीं, 9 ऑफ दिस भी आपके ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि उत्तर होते भी उत्तर नहीं देना पड़ता है, लेकिन मैं ऐसा प्रश्न जानबूझकर नहीं डालता जिसका उत्तर नहीं, उत्तर कोई नहीं लिखा रहता है उत्तर, तो मैं उत्तर उसका बना देता हूं ऐसा। तो मैंने जब सेट बनाया था, सेट में भी मैंने एक बार बताया है, प्रैक्टिस सेट में जब मैं वीडियो बना रहा था उसमें मैंने बताया कि दिशा का किस प्रकार से आप लोग अध्ययन करें, इसलिए मेरा हर वीडियो रीडिंग का जोर देखने गया है, एसएससी और आरपीएफ का भी देख लिया, उसमें आपको लिखा हुआ होगा,
और वो सब नहीं हो सकता है तो मेरा वीडियो खुद बना हुआ है दिशा निर्देश का, डायरेक्शन का, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का, तो वो आप लोग देख लें तो आपका पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से वो बनता है वो डायग्राम वगैरह। तो उसका डायग्राम आपको जानने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर मैं फिलहाल जितना समझा दे रहा हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। तो पहला प्रश्न है मोहनपुर की ओर 50 मीटर चला, तो पूर्व दोस्तों इधर होता है और मैं ये बता चुका हूँ, मैं बार बार क्या बताऊ, मैं जो नित्य मेरे वीडियो को देखे वो समझ सकते हैं। चलो इस प्रकार से 50 मीटर चला, 50 मीटर, इसके बाद वो दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। इसका दाएं किधर होगा, मतलब एक छिपकली इस पर चढ़ी हुई, उसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट उधर हो जाएगा। तो दाएं मुड़ा 30 मीटर चला, तो 50 से थोड़ा छोटा बनाता हूं, लगभग इतना, ये चला 30 मीटर और ये था इसका आरंभिक स्थान इनिशियल पॉइंट, यहां में जीरो दे दिया। एरो हमेशा देना चाहिए, इससे पता चलता है किधर जा रहा है, ये ऐसे ऐसे में कोई मतलब नहीं, किधर जा रहा है किधर आ रहा है कोई मतलब ही नहीं होता है, एक लकीर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए एरो देना पड़ता है। और एक प्रारंभिक बिंदु वक्त है जहां सोचना प्रारंभ करता है। तो बोला यहां से यहां तक की दूरी पूछता तो दूरी निकलता, पाइथागोरस प्रमेय से निकलता, मगर दूरी नहीं पूछा, बोलता है कि ये जो है अभी किस दिशा की ओर है। तो आप लोग जो डायग्राम को रट लोगे तो ये देख के ही पता तो कौन सी दिशा, कैसे ये डायग्राम ऐसा होता है, मैंने इसकी बात की, इस प्रकार से ये बना हुआ है, कुछ इस प्रकार होता है, यहां से कुछ चलना प्रारंभ करते हैं, इधर उत्तर होता है, सॉरी ठीक है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण, इधर पूर्व, एक पूर्व और इन्होंने चलना प्रारंभ किया था, ये दोनों के बीच में है, ये हो गया उत्तर पूर्व, अगर कोई नहीं पढ़े हो तो वो देख ले, ये है आपको दक्षिण पूर्व, ये हो गया आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए था, ये हो गया पश्चिम, तो ये दोनों हो गया दक्षिण पश्चिम और ये हो गया आपको उत्तर पश्चिम, इस जगह पे यहां पे उत्तर पश्चिम। ये आप लोग को दिशा हमेशा एरो रख लेना पड़ेगा और ये बिल्कुल इस प्रकार बना हुआ है जो कि यहां पर है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व, यानी कि अभी प्रारंभिक स्थान से वो दक्षिण पूर्व की ओर है। तो दोस्तों मैंने कोई फास्ट नहीं बताया, स्लो बताता हूं तो वो ज्यादा लेट होती है, तो मैं फिर भी आपको डायग्राम बताकर मैंने बता दिया, इसमें पॉसिबल की तो समझ लेंगे या मेरा वीडियो देख लेंगे या किसी सेट में बनाया हो उसे अब देख लेंगे। तो अगले प्रश्न मैं अब लिखने जा रहा हूँ, आप लोग मेरा थोड़ा सा वेट करें, वेट क्या करेंगे, बस जाऊंगा और मतलब लिखूंगा पॉस करके तो तुरंत नजर ही आ जाऊंगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल जो परीक्षा होने वाली है तो उसका आज ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और यह है सेरोलॉजी से जो कि न्याय इसका नाम होता है हिंदी में। तो ये प्रश्न के साथ ही मैं ये वीडियो खत्म करूंगा, इसके बाद मैं फिर नीट पे आता रहूंगा, जब तक एग्जाम का 1-2 रोज बचता है तो मैं ही तभी ये वीडियो को बंद करूंगा बिहार एसएससी का डालना, और ऐसे भी जब एग्जाम गैपिंग होता है उसमें एक वीडियो अवश्य डाल दिया करूंगा ताकि एग्जाम में शायद कुछ क्वेश्चन सुविधा हो जाए विद्यार्थी को। तो इस प्रकार से मैं आप लोग देखे होंगे मैं बात आज कम किया और पढ़ाया ज्यादा, तो मैं बात सिर्फ बातें नहीं करता हूँ, मैं मोटिवेट करता हूँ थोड़ी सी, ताकि जो विद्यार्थी प्रेशर में है घबराए वो लोग प्रेशर में ना रहे और आराम से पढ़े, और जो है पढ़ाई से जिसे भूख लगती है तो खाने से जो है भूख मिटती है, तो पढ़ाई से ही आपकी जो है विद्या मिलेगी और आप लोग अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो ये प्रश्न आपका है सेरोलॉजी से और ये है रीजनिंग का चैप्टर, मैं बता चुका हूँ बिहार एसएससी के लिए इंटर लेवल का, यह 7वां और अंतिम प्रश्न है। इसमें कथन और निष्कर्ष होते हैं, कथन के आधार पर कुछ डायग्राम बनते हैं डायग्राम, और निष्कर्ष उसमें से कौन कौन सा सही है वो निकाला जाता है। तो कथन है स्टेटमेंट, कुछ किताबें पेड़ है ना, सम ट्री आर बुक, कुछ किताबें पेड़ है,
सभी पेड़ सड़क हैं, सभी सड़क पहिए हैं। ये हो गया आपका कथन। इसके बाद निष्कर्ष, इसके पहले मैंने बताया है इस संदर्भ में, अपने वीडियो में देखेंगे। निष्कर्ष है, एक, कम से कम कुछ पहिए किताबें हैं। दो, कुछ सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं। तीन, कम से कम कुछ पहिए पेड़ हैं। इसके पांच ऑप्शन आपके सामने है। पहला, एक और दो दोनों, एक्चुअली एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, वो लिखा जाना चाहिए था, पर मैंने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया उसको, ठीक है। इस प्रकार दो और तीन दोनों ही अनुसरण करते हैं, एक और तीन ये दोनों अनुसरण करते हैं, और ये चार नंबर छोड़िए यहां पे, नंबर फोर सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि सभी सही है, एक दो तीन, और पांच कोई नहीं, यानी कि इसका आधार पर मैं कुछ बनाऊंगा अभी डायग्राम और उसमें से जांच करूंगा ये तीनों सही है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इसके आधार पर। कुछ पेड़ किताबें हैं, सबसे पहले एक पेड़ का मैं डायग्राम बनाता हूं, ये रहा पेड़, इसका थोड़ा हिस्सा किताब, कुछ पेड़ किताबें हैं, तो ये हो किताब, कुछ पेड़ किताबें हैं, किताबें मैंने दे दिया, ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद सभी पेड़ सड़क हैं, जितने भी पेड़ सभी किताबें पेड़ हैं, सॉरी कुछ किताबें, मैं उल्टा बना दिया, इस तरह बनेगा ये, कुछ किताबें पेड़ हैं, किताब इधर होना चाहिए था, अच्छा लगता देखने में, कुछ किताबें, पहले मैं किताब बनाता हूं, तो ये हो गया किताबें, किताबें, वैसे वैसे भी सही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब कुछ किताबें पेड़ हैं, तो कुछ किताबें पेड़ हैं, वो यहां आ गया, इसका थोड़ा हिस्सा यहां पे पेड़, अब कुछ किताब का कुछ हिस्सा क्या हो गया, पेड़ हो गया, ये कंप्लीट। दूसरा क्या है, सभी पेड़ सड़क हैं, जितने भी पेड़ हैं ये सब सड़क है, यानी ये सारा सारा पेड़ सड़क के पेड़ के अंदर चला है, ये सभी क्या हो गए हैं, सड़क। अब तीसरा नंबर में है, सभी सड़क पहिए हैं, अब जितने भी सड़क है ये बाहर वाला देख रहे हैं, ये सारे सारे क्या है, पहिए हैं, पहिए। अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो ये देख रहे हैं कि इससे हो रहा है क्या, कि कुछ पेड़ किताबें हैं तो कुछ सड़क भी किताब हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ पहिए भी किताब हो जा रहा है कि नहीं, तो इस प्रकार से ही यह बनता है। तो इसका क्या है कि पहला ऑप्शन देखिए, इसमें निष्कर्ष पहला है, कम से कम कुछ पहिए किताबें हैं, कम से कम कुछ पहिए किताबें हैं, तो अगर कम से कम आप इस हटा कर भी देखो तो कुछ पहिए किताबें हैं, इतना पढ़ने से भी काम आपका चल जाएगा, तो कुछ किताबें पहिए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ किताबें हैं और ये पहिए का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत आ रहा है, तो कुछ किताबें पहिए हैं, ये आपका हो गया सही। दूसरा, कुछ सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं, यानी सड़क का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से किताबें हैं, यहाँ बिल्कुल उसी प्रकार से है जो मैं आपको समझाया था, तो कुछ सड़क निश्चित रूप से किताबें हैं, ये भी सही हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए कुछ सड़क कुछ हिस्सा तो है इसके अंदर किताब के अंदर, ये भी सही हो गया। अब बोलता है कम से कम कुछ पहिए पेड़ है, इतना बड़ा जो पेड़ है ये बोला, तो इसमें से बोला कम से कम इसका कुछ हिस्सा पेड़ है, तो मैं देख रहा हूं बिल्कुल इसका ये हिस्सा पेड़ है कम से कम, यानी मैं मान लो पूरा पहिया और यहां पर पेड़ है, तो मेरे पूरे पहिए का कुछ हिस्सा तो पेड़ हुआ, ऐसे में दिखा जैसे मेरा पेट निकला हुआ, लेकिन मेरा पेट उतना निकला हुआ है नहीं, जो सही बात है, तो यहाँ पर तो वही बात हो गई ना, तो कुछ पहिए पेड़ है, पेड़ का एक हिस्सा छोटा सा जो है, पहिए का छोटा सा हिस्सा वो पेड़ है, ये भी आपका सही हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाता है, सभी अनुसरण करते हैं, ये चार नंबर बिल्कुल ही सही।
तो आपने देखा कितना आसानी से ये बन गया। इसके बहुत सारे रूल और रेगुलेशन, बहुत सारे नियम है, हर प्रकार प्रश्न आता है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग छोड़े नहीं, बना करके ही आए, क्योंकि प्रश्न छोड़ के आने से आपका तो मार्क्स नहीं चला जाएगा, और नहीं छोड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना एक बहुत बड़ी कला है। स्टूडेंट जो कम जानते हैं वो सारे के सारे बनाकर चले आते हैं और उनको नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को लेना नहीं है, इसलिए इतना ही बना जितना कि आप लोग उपयोगी हो। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग नित्य अध्ययन करें, और मैं जो भी बोलता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं, तो आप देखिए मैं बारीकी से हर एक बात को बताता हूं। इस वजह से थोड़ा सा क्या होता है, कुछ लगता हो कि कुछ लंबा हो गया है, कुछ नहीं, मैं एक एक बात बताता हूँ ताकि स्टूडेंट को सुविधा हो, क्योंकि आप क्लासरूम में नहीं हो, आप मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते हो, और बिना पूछे मुझे खुद समझना पड़ता है कि आप क्या जानना चाहोगे। बहुत स्टूडेंट है जो कि ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो मैं हर एक बात को क्लियर कर देता हूं। तो हर वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे मैं ये चीज कम करता जाऊंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जो लोग नित्य मेरा वीडियो देखेंगे वो समझेंगे समीर सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा चुके हैं। तो उन लोगों के भरोसे मैं ये करूंगा कि जो है वो चीज को मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम करूंगा, लेकिन उसमें काफी समय है, मैं अभी क्लियर बताऊंगा। तो आप मेरा वीडियो ब्लड रिलेशन संबंधित हो या सेलोस, तो मैंने अभी वीडियो में डाला नहीं है, तो जो भी आपको समस्या हो, चाहे वो दिशा से हो, तो वो आप मेरे वीडियो में जाकर के देख लें, ढूंढ के खोज के देख लें। आज और अभी जब से आप वीडियो आप पूरा देखते हैं उस समय से ही आप देख लें, तो बहुत ही आपको फायदा होगा। और मैं यूं ही बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को मोटिवेट करने का हमेशा प्रयास करता हूं। पढ़ाना ही एक कला नहीं है, दूसरे के अंदर जागृति पैदा करना, आदमी तो उत्साह जो है प्रेरित करना, ये भी एक जो है हमारी दायित्व तो बनती है टीचर की, तो मैं इस दायित्व का निर्वहन करता हूं। अगर कुछ बुरा लगे तो उसके लिए मुझे खेद है, और ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग काइंडली अवश्य जो है बॉक्स में जाकर के लिखे, कमेंट बॉक्स में। और जितने ये व्यूअर होते हैं वो लाइक उतने नहीं आते हैं मुझे, तो मुझे थोड़ा सा खलता है, तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने व्यूअर आते हैं एक लाइक तो अवश्य कर दें, और एक कमेंट भी कर दें कम से कम, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। और इस उत्साह बढ़ने से क्या होता है कि जिस तरह से आपका उत्साह बढ़ता है तो आप लोग अच्छे करते हो, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं भी अच्छा कर सकूंगा। एक साथ ही मैं लेते हूं विदा, मैं अगले वीडियो में अच्छे से कोई अच्छा वीडियो लेकर के फिर आऊंगा आपके लिए, Bssc के लिए फिलहाल मैं आऊंगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और बाय।